कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में मिशन अस्पताल लगातार अपनी भूमिका निभा रहा है और मिशन अस्पताल की इसी सेवा भाव को देखते हुए सामाजिक संगठन भी उनकी हर संभव मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी के तहत शनिवार को रोटी बैंक अम्बाला व रोटी बैंक ट्रस्ट की तरफ से हर संभव मदद करने की बात कही है। रोटी बैंक अम्बाला की तरफ से मॉनिटर्स, ऑक्सीमीटर सहित मिशन अस्पताल के डायरेक्टर ने सभी का आभार प्रकट किया और कोरोना मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं के बारे में बताया। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील सादिक डायरेक्टर फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल अम्बाला से बोल रहा हूँ। और हमारे साथ जब से हमने ये काम करना शुरू करी है COVID-19 के लिए, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे इंडिविजुअल पर्सन जो हैं हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरतें थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि हम खुद नहीं खरीद सकते थे। ICU बनाना है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम की ज़रूरत थी। तो हमारे साथ रोटी बैंक के जो कर्ता धर्ता हैं वो आए, फिर इंडिविजुअल पर्सन भी आए, मिस्टर मनोज जैसे हैं, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आपस में बहुत सारे लोगों को जोड़ना शुरू किया। और जैसे जैसे लोग देखते जा रहे हैं इस संस्था के साथ, अब लोग कंधे से कंधा मिलाकर जुड़ रहे हैं और बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं जब ठीक होकर जाते हैं वो अपने आप को सहयोगी बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं, डॉक्टर साहब हमें बताओ हम क्या कर सकते हैं इस हॉस्पिटल के लिए, या जो भी आपको ज़रूरत है वो करने के लिए। सो डिफरेंट तरीके से हर कोई अपने अपने तरीके से काम कर रहा है। हमें अभी जैसे स्टीमर्स की ज़रूरत थी, जो स्टीम लेते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को ज़रूरत होती है। तो मैं जैसे ही बात कर रहा था तो इमीडिएटली 132 स्टीमर एक इन्हीं की संस्था में से साथ लेके आ गए और यहाँ पर डोनेट किए। और उसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर्स की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, तो इमीडिएटली पल्स ऑक्सीमीटर्स आज ये लेके आ गए हमारे लिए। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ फिलेंथ्रोपिक पीपल हु गॉट टुगेदर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर इस मिशन हॉस्पिटल में जो मरीज हैं उनका हेल्प करने के लिए आगे आ चुके हैं। हमारी संस्था रोटी बैंक अम्बाला और रोटी बैंक ट्रस्ट दोनों यथासंभव मिशन हॉस्पिटल में जिस प्रकार से डॉक्टर सादिक अपनी टीम के साथ कोविड पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं और नया ICU बनाने जा रहे हैं, तो जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट्स हैं उसे पूरा करने का प्रयास कर रही है। हमारा जो कॉन्टैक्ट हुआ मनोज जी के माध्यम से, डॉक्टर सादिक से हुआ, लगभग 15 दिन पहले मनोज जी हमारे पास आए कि रोटी बैंक अम्बाला जिस प्रकार छावनी अस्पताल में सेवा करता है, जो कि हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री विज साहब की प्रेरणा से बनाया था, उसी प्रकार की सेवा कोविड के पेशेंट्स के लिए मिशन में भी ज़रूरत है। तो मनोज जी के साथ हम यहाँ पर आए, नए जो ICU बन रहा है उसकी रिक्वायरमेंट्स को नोट किया और अलग अलग जो हमारे सहयोगी हैं, मित्र हैं, विभिन्न संस्थाएँ हैं, उनसे निवेदन किया कि आइए इस पुण्य काम में डॉक्टर सादिक की टीम का, मनोज जी का हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़े। और उसी श्रृंखला में हमने मॉनिटर्स मंगा के दिए हैं, पर्दों का काम कराया है, आज ऑक्सीमीटर दिए हैं। और ये जो केवल हमारी संस्था ने नहीं दिए, अलग अलग संस्थाओं ने, अलग अलग इंडिविजुअल्स ने आगे आकर अपना सहयोग दिया है। जैसे कि नीरज जी ने कल परसों 132 स्टीमर दिए, उन्होंने ही आज ऑक्सीमीटर भेजे कि ये रिक्वायरमेंट पूरी करें। और जो भी रिक्वायरमेंट है लोग ही पूरा कर रहे हैं, लोगों के सहयोग से, संस्थाओं के सहयोग से हम यहाँ की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।